जय हिंद साथियों, मैं अजय स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार एग्जाम इंडिया वार में। आप सभी कैसे हैं फ्रेंड्स? आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिस्ट्री। हिस्ट्री मतलब इतिहास, और हम पढ़ेंगे इतिहास में बहुत कुछ जो आज तक आपने नहीं पढ़ा होगा। इतिहास, भारतीय इतिहास को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। प्राचीन भारतीय इतिहास, प्राचीन भारतीय इतिहास जिसको एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री कहा जाता है, फिर मध्यकालीन इतिहास, मध्यकालीन भारतीय इतिहास, फिर आ जाता है आपका आधुनिक, भारतीय इतिहास। एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री एंड मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। इसमें जो ऋग्वैदिक सभ्यता है, ऋग्वैदिक काल, और आपका सिंधु सभ्यता, हड़प्पा, और इनके बारे में पढ़ा जाएगा। मध्यकालीन भारतीय इतिहास, ये भारत में दिल्ली सल्तनत से स्टार्ट होता है, जो विदेशी आक्रमणकारी भारत में आते हैं, और ये 1707 तक जाता है, 1206 से 1707 तक। फिर इसके बाद 1707 के बाद आधुनिक भारतीय इतिहास स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन बनते हैं एग्ज़ाम में, इन दो टॉपिक्स से बनते हैं, मध्यकालीन और जो मॉडर्न हिस्ट्री होती है, मिडाइवल और मॉडर्न। तो हम सबसे पहले ये दो टॉपिक ख़त्म करेंगे, फिर इसको करेंगे। तो चलिए बात करते हैं मध्यकालीन भारतीय इतिहास की, मध्यकालीन हिस्ट्री। मध्यकालीन भारतीय इतिहास। हम बात करेंगे मध्यकालीन भारतीय इतिहास की, कब से कब तक? 1206 से लेकर 1707 तक। इसके दो पार्ट्स आ जाते हैं, एक चलता है 1206 से लेकर कब तक, 1526 तक। फिर दूसरा पार्ट जो चलता है, ये चलता है 1526 से लेकर 1707 तक। ये मुगल राजवंश चलता है, मुगल, इसमें बाबर, अकबर, हुमायूं, इनके बारे में पढ़ेंगे, मुगल वंश। और ये चलता है, इसमें 5 वंश आते हैं, दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत में 5 वंश आते हैं, दिल्ली सल्तनत। तो मध्यकालीन भारतीय इतिहास 1206 से 1707, 1206 से लेकर 1526 दिल्ली सल्तनत, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में अब्राहिम लोदी और बाबर के बीच, जिसमें बाबर, अब्राहिम लोदी की मृत्यु होती है और बाबर मुगल राजवंश की स्थापना करता है। अब बात करते हैं हम दिल्ली सल्तनत। आई होप आप ये सब लिखते जाइए, पेन कॉपी लेकर बन बैठिए, नोट्स बनाइए। किसकी बात करते हैं? दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत कब से कब तक टाइम पीरियड इसका? 1206 से लेकर 1707 तक। इसमें 5 वंश आ जाते हैं आपके, पहला आता है आपका गुलाम वंश,
गुलाम वंश, जिसे ममलूक वंश भी कहा जाता है, ममलूक वंश भी कहा जाता है। गुलाम वंश जिसे ममलूक वंश कहा जाता है, ये 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक आता है। दूसरा आ जाता है खिलजी वंश। खिलजी वंश गुलाम वंश, खिलजी वंश, खिलजी वंश 1290 से लेकर 1320। फिर इसके बाद आ जाता है तुगलक वंश। तुगलक वंश आपका 1320 से लेकर 1414। फिर आ जाता है सैयद वंश। सैयद वंश आता है 1414 से लेकर 1451। फिर आता है लोधी वंश 1451 से लेकर 1526 तक। तो ये गुलाम वंश 1506 से 1290, खिलजी वंश 1290 से 1320, फिर 1320 से 1414 तुगलक वंश, सैयद वंश 1414 से 1451, लोधी वंश 1414 से 1526। इनमें सबसे ज़्यादा कौन होगा? तो सबसे ज़्यादा ये वाला होगा, 1320 से 1414 कितना जाएगा, 96 ईयर, 96 वर्ष तक इनका शासन रहता है। और सबसे कम इनका है 30 वर्ष। 30 वर्ष। तो पूछ सकता है सबसे ज़्यादा किस वंश ने दिल्ली सल्तनत में शासन किया, तो तुगलक वंश ने। सबसे कम किसने किया, तो ये हो जाता है खिलजी वंश ने। सबसे कम किसने किया है, खिलजी वंश ने किया है। 96 नहीं, 94, 94 ईयर, 94 ईयर किसने किया, तुगलक वंश ने। तो अब बात करते हैं, ये हो गया दिल्ली सल्तनत। अब ये सब कौन थे, तो ये सब विदेशी थे। तो क्या इससे पहले भी किसी विदेशी ने भारत पर आक्रमण किया था? तो हाँ बिल्कुल किया। एक तो खूब नाम सुना जाता है महमूद गजनवी का, और एक वर्ड किसी किसी ने सुना होगा कि भारत में फर्स्ट अरब आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम द्वारा कब किया गया था, तो 712 एडी में किया गया था। तो बात करते हैं क्या कारण था कि मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया। क्या उसको सपना गिरा था, या रात में सो रहा था सपना आया कि नहीं भारत है वहाँ पर मुझे जाना है, आक्रमण करना है, कुछ तो कारण रहा होगा। चलिए उस कारण की भी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप हेडिंग डाल लीजिए, ये हम बेस बना रहे हैं हिस्ट्री का। भारत में फर्स्ट अरब आक्रमण, भारत में फर्स्ट अरब आक्रमण। तो कारण की बात कर लें, क्या कारण था। कारण, तो कारण से पहले मैं आपको कुछ बातें बता दूं। बात है 632 एडी की, 632 एडी की। एक नाम आता है इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब जी, हजरत मोहम्मद साहब, इनकी क्या हो जाती है बाबू, मृत्यु हो जाती है। जब इनकी मृत्यु हो जाती है, तो इनकी जो गद्दी थी, अब उनका शासन कौन करे। तो एक पद का सृजन किया जाता है 636 एडी में, ईस्वी में। उसे क्या बोलते हैं, खलीफा बोला जाता है। खलीफा कौन था, तो खलीफा जो इस्लाम धर्म का धार्मिक धार्मिक
और क्या? राजनैतिक प्रमुख। राजनैतिक दोनों क्या बाबू? प्रमुख, अर्थात एक ऐसा इंसान या एक ऐसा पर्सन जो इस्लाम धर्म में धर्म का प्रचार प्रसार भी करे और जो राज्य की सीमाएं हैं उनका विस्तार करे, उसे क्या नाम दिया गया? खलीफा नाम दिया गया। फर्स्ट खलीफा कौन हो जाते हैं? क्वेश्चन पूछा जाता है फर्स्ट खलीफा, तो उमर खलीफा, उमर खलीफा। 632 एडी में हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु हो जाती है और 636 में इनके साम्राज्य को देखने के लिए एक खलीफा पद का सृजन किया जाता है। खलीफा कौन? इस्लाम धर्म में धार्मिक और राजनैतिक प्रमुख। ये क्या करेगा? जो धर्म है, इस्लाम धर्म है, उसका प्रचार प्रसार विदेशों में करेगा और अपने साम्राज्य की सीमाओं की रक्षा और उनका विस्तार भी यही करेगा। फर्स्ट खलीफा हो जाते हैं उमर खलीफा। अब बात करते हैं कि फर्स्ट अरब आक्रमण का कारण क्या था। ये आपको समझ में आ गया होगा खलीफा वर्ड। तो ये बात है 711 AD की। 711 में एक खलीफा होते हैं वाजिद खलीफा। वाजिद खलीफा, वाजिद खलीफा के समय क्या होता है? कुछ जो इस्लाम धर्म के प्रचारक थे वो कहाँ जाते हैं बाबू? श्रीलंका जाते हैं। श्रीलंका जाते हैं, यहाँ पर क्या होता है? जो पुरुष थे उनकी मृत्यु हो जाती है या हत्याएं कर दी जाती हैं, तो जो श्रीलंका का शासक होता है वो क्या करता है? यहाँ खलीफा के पास इन लोगों को भेजता है एक जहाज के माध्यम से। किसके माध्यम से बाबू? जहाज के माध्यम से। अब यहाँ पर हमारे ये भारत पड़ता है और यहाँ पर देवल बंदरगाह के पास, कहाँ पर? देवल पोर्ट में, देवल बंदरगाह में क्या कर लिया जाता है? इनको लूट लिया जाता है या इनको कब्जा कर लिया जाता है। अब यहां पर ईरान था, यहां पर ईरान के किंग होते हैं हज्जाज मंसूर। हज्जाज, हज्जाज, हज्जाज मंसूर होते हैं। इनको ये बात अच्छी नहीं लगती क्योंकि ये भी एक मुस्लिम किंग थे, इस्लाम धर्म से थे। तो ये क्या करते हैं कि जो देवल के किंग होते हैं दाहिर मंसूर हज्जाज, क्या कहते हैं, ये अपना एक पर्सन भेजते हैं कहाँ? देवल के किंग, देवल में जो किंग होते हैं इस समय उनका नाम होता है ब्राह्मण वंश के अंतिम शासक, ब्राह्मण वंश के अंतिम शासक दाहिर के पास। किसके पास भेजते हैं बाबू? दाहिर के पास भेजते हैं। दाहिर कहता है कि ये सब मेरे क्षेत्र में नहीं आता, मैं उस पर कोई कार्यवाही नहीं करूंगा। अब इससे जो किंग मंसूर हज्जाज थे वो क्या हो जाते हैं? नाराज। भाई राजा हैं, अब कोई उनकी बात मना करे तो गुस्सा तो आती है। और ये क्या करते हैं? अपने एक 17 वर्षीय भतीजे को भेजते हैं भारत की ओर। क्या होता है? इनका 17 वर्षीय भतीजा, 17 वर्षीय भतीजा जिसका नाम होता है मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम अपनी सेनाएं लेकर बढ़ता है कहाँ? देवल की ओर। और यहाँ पर देवल का भतीजा होता है, कौन होता है? दाहिर का भतीजा होता है, दाहिर का भतीजा होता है, उसको पराजित करता है। ये आपको मैं स्टोरी बता रहा हूँ जिससे आपको पता चल जाए कि क्या कारण था कि भारत में फर्स्ट अरब आक्रमण हुआ। इम्पॉर्टेंट ये है कब हुआ, किसके द्वारा किया गया और भारत में राजा कौन था, बस। पर ये आपको ये स्टोरी से क्या होगा, अंदर एक इंटरेस्ट पैदा होगा। जब कारण पता चल जाएगा कि नहीं इस कारण से हुआ, तो आपके अंदर एक इंटरेस्ट पैदा होगा हिस्ट्री जानने की। और दाहिर से, ये दाहिर के भतीजों को पराजित करके फिर ये आगे बढ़ता है और रावर में जाता है।
रावर में दाहिर का पुत्र होता है। दाहिर का क्या होता है बाबू? पुत्र होता है, इसे भी पराजित करता है और अंत में जाकर कहाँ, दाहिर के द्वार पर खड़ा हो जाता है। अब इसकी यहाँ पर कुछ गलती देखिए, यहाँ युद्ध किया इसने, यहाँ युद्ध किया, इसकी सेनाएं क्या हो गई होंगी? कमजोर हो गई होंगी। अरे लड़ाई में क्या होगा, तलवार लगे होंगे, तीर लगे होंगे, तब इसको क्या करना चाहिए था? यहाँ से आकर अटैक कर देता तो शायद इसको वापस भेज सकता था, पर नहीं, ये बस भोग विलास में मस्त थे। जब मोहम्मद बिन कासिम यहाँ इनके दरवाजे पर खड़ा हो जाता है तब इनको कुछ पता चलता है और फिर इन दोनों के बीच क्या होता है, युद्ध होता है, युद्ध होता है, और इसमें क्या होता है, दाहिर की पराजय और दाहिर की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है बाबू। अब एक अच्छी स्टोरी बता रहा हूँ, इंटरेस्टिंग स्टोरी। क्या होता है, मोहम्मद बिन कासिम, इसकी दाहिर की दो पुत्रियां होती हैं, दो पुत्रियां होती हैं। ये सोचता है इन दोनों को खलीफा के लिए क्या लेकर जाऊंगा, गिफ्ट के रूप में लेकर जाऊंगा। क्या सोचा कि खलीफा को गिफ्ट देंगे, भाई साहब गिफ्ट देंगे, वो बड़े खुश हो जाएंगे, हमको कमांडर से और ऊंचा पद दे देंगे। अब बच्चा था 17 वर्ष का। अब ये दोनों पुत्रियां इनको लेकर जाता है वाजिद अली के, वाजिद खलीफा के पास। अब ये देखते हैं, बोले बड़ा अच्छा, शाबाश बच्चा, बहुत बढ़िया काम किया है, ये समझने के लिए था आपके। अब क्या करता है, जब इन ये दोनों पुत्रियां जाती हैं तो ये बड़ी चालाक थी दाहिर की पुत्रियां, कहती हैं साहब ये जो आपका कमांडर था इसने हमारे साथ मिसबिहेव किया है। क्या किया है, मिसबिहेव, हमारे सतीत्व का इसने हनन कर दिया। अब भाई साहब खलीफा बड़े क्रोधित, देखो लड़के को कितना चालाक है, तो इसने क्या किया, जो वाजिद खलीफा थे इन्होंने एक बैल की खाल निकलाई और उसमें जो मोहम्मद बिन कासिम था उसका मुंह रखवाकर सिला दिया, और इस तरह मोहम्मद बिन कासिम की क्या हो जाती है बाबू, मृत्यु हो जाती है, अर्थात ये भी क्या हो जाता है, ईश्वर के पास चला जाता है, इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु इस कारण हो जाती है। अब फिर बाद में ये क्या करती हैं दोनों पुत्रियां, खलीफा से कहती हैं अरे साहब हमने तो आपको गलत स्टेटमेंट दिया, उसने ऐसा कुछ नहीं किया, वह तो बड़ा प्यारा बच्चा था, उसने हमारे साथ कोई मिसबिहेव नहीं किया। तो फिर क्या होता है, खलीफा को फिर गुस्सा आ जाता है और वो इन दोनों पुत्रियों की क्या करवा देता है, हत्या। घोड़े में, घोड़े के पीछे दोनों को पैर बांधकर बोला कि इनको घसीटते चले जाइए जब तक इनकी क्या ना हो जाए, मृत्यु ना हो जाए। तो इस प्रकार ये दोनों अपनी क्या करती हैं, सतीत्व की रक्षा करती हैं। तो अब इससे आपको नोट्स कैसे बनानी है मैं बताता हूं। देखिए क्या कारण था, श्रीलंका से कुछ महिला और बच्चे कहाँ जा रहे थे, ये वाजिद अली खलीफा के पास। बीच में क्या पड़ता है, देवल बंदरगाह पड़ता है, यहाँ पर क्या होता है, लुटेरों द्वारा लूट लिया जाता है इसको। तो जो ईरान के किंग होते हैं मंसूर हज्जाज, वो कहते हैं दाहिर से कि भाई साहब आपके क्षेत्र में ये कारनामा हो गया है, आप उसके खिलाफ एक्शन लीजिए। दाहिर कहते हैं ये क्षेत्र मेरे में आता ही नहीं है और मैं क्यों तुम्हारी बात मानूं यार। तब क्या होता है, मंसूर हज्जाज अपने 17 वर्षीय भतीजे मोहम्मद बिन कासिम को भारत में आक्रमण के लिए भेजते हैं। ये यहाँ से चलता है 711 AD में। कब चलता है ये बाबू, 711 AD में, 711 AD में चलता है यहाँ से, और 712 में देवल पहुँचता है। देवल में क्या होता है, दाहिर का भतीजा होता है, फिर रावर पहुँचता है, रावर में दाहिर का पुत्र होता है, और फिर लास्ट में दाहिर को जाकर युद्ध करता है दाहिर के साथ, और इसकी क्या करता है, मृत्यु। फिर इसकी दो पुत्रियां होती हैं, इनको लेकर जाता है कहाँ, खलीफा के पास गिफ्ट के रूप में, ये गलत स्टेटमेंट देती हैं। फिर जब इसकी मृत्यु करवा देता है खलीफा तो कहती हैं कि नहीं हमने गलत बोला था, तो फिर इनकी भी मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार भारत में 712 AD में फर्स्ट अरब अटैक होता है। क्या होता है, फर्स्ट अरब अटैक। तो आपको नोट्स कैसे बनानी है, भारत में फर्स्ट अरब अटैक।
कब हुआ? 712 AD में। किसके द्वारा हुआ? मोहम्मद बिन कासिम द्वारा, मोहम्मद बिन कासिम द्वारा। 17 वर्षीय बच्चा था। किस क्षेत्र में किया गया? तो देवल। देवल क्षेत्र में कौन सा राजा था? तो दाहिर था। बस तो फ्रेंड्स, ये था आज की हमारी फर्स्ट वीडियो हिस्ट्री पर। आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और हमारे परिवार एग्ज़ाम इंडिया वार को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, और जो आपका व्हाट्सएप इन सभी जगह पर शेयर कीजिए, जिससे आपका परिवार क्या हो यार, बड़े मेहनत लगती है सब बनाने में। तो जय हिंद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगली वीडियो हमारी जो होगी वो भारत में तुर्क आक्रमण, मोहम्मद बिन कासिम, भारत में मोहम्मद बिन कासिम कौन था, भारत कैसे आया, क्या कारण था कि उसने भारत में युद्ध किया, और फिर वो भारत में अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहता था, फिर उसके गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि उसका दामाद भी था, गुलाम था और दामाद भी था, देखिए, और उसने भारत में क्या करता है, गुलाम वंश की स्थापना करता है भारत में, फर्स्ट तुर्की अटैक, कल पढ़ेंगे। जय हिंद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।